सिर्फ सिर्फ आप लोगों का सहयोग, आप लोगों के सहयोग से। कोई एक दिन आता है, कोई एक दिन नहीं आता, लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं कि 31 तारीख को आपको सबको जरूर आना है। देर इज ए बिग बिग सेलिब्रेशन। यस एवरीबडी, आई रिक्वेस्टेड ऑल द पार्टिसिपेंट, एवरीबडी ज्वाइन एंड ट्राई टू ज्वाइन अदर्स ऑल्सो। कुछ दूसरे लोगों को हो सकता है आखिरी दिन उनकी प्रेजेंस की आहुति लग जाए। हम तो सबको कलेक्ट करना है ना। तो आज हमने जैसा प्रॉमिस किया था आपको, दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। देखिए आज 29 मई है, आज तक हमारे 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे, और कल हम कामाख्या देवी और एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बचा है उसी पर हमारी यात्रा के पहले, व्हेन आवर जर्नी विल फिनिश बिफोर दैट वी डू द ऑल 20 ज्योतिर्लिंग दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम कर चुके हैं। यस इज गुड, जस्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए ताली बजाएं। देखिए हर ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है, मैं कुछ आप पे भी छोड़ता हूं। हर ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है, उसके पीछे कोई अलग कहानी है। वो कहानी के घेरे में जाएंगे तो वो जिस प्रकार, तो क्या कहती कहां पे है ये सीना? अरे कौन है भैया आप, प्लीज मत बोलो, इसीलिए अनम्यूट नहीं करना पड़ता। तो आप लोग पढ़े 12 ज्योतिर्लिंग के, भाई हम 9 ज्योतिर्लिंग, 9 तो कर चुके हम, दो और करेंगे आज, एक कल करेंगे। पहला ज्योतिर्लिंग करेंगे हम, आइए हम सब बैठ के चलते साथ में। ग्रहतेश्वर, ये ग्रहतेश्वर ज्योतिर्लिंग है, हाँ आइए दोनों हाथ जोड़ प्रार्थना करें। जो औरंगाबाद में स्थित है दोनों हाथ जोड़ प्रार्थना करें। ग्रहतेश्वर ज्योतिर्लिंग, हम इसके बाद हम एक पर्ली में है, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये थोड़ा ज्योतिर्लिंग थोड़ा विवादों में है, मतलब कोई कहता है भाई देवघर वाले ज्योतिर्लिंग है, लेकिन जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ पढ़ते हैं हम, उसमें से एक वो आते हैं वैद्यनाथ जी, जो पर्ली के हैं। तो आइए वैद्यनाथ के हम करें, क्योंकि जो वहां पर शिवलिंग जो नरमुंड की माला चढ़ी थी, तो
तो उसको इस प्रकार सिया गया था कि उसको वेद्य का रूप दिया। तो वेद्य नाथ के नाम से जाना जाता है वो मंदिर। एक कथा सुनी होगी आपने, मैं चाहता हूं कथा तो आप सुनते रहेंगे ना, आपको याद रहेगी, लेकिन एक ज्योतिर्लिंग के बारे दर्शन हम करें, हमारा प्रणाम जरूर करें उन ज्योतिर्लिंग को। तो आइए हम आज अगला स्टेप हमारा वेदनाथ मंदिर परिसर है अंदर जाने के लिए ही हम मिल रहा। देखिए बहुत खराब वैद्यनाथ के दर्शन मंदिर में दर्शन। गुड, देखिए हमारा अभिप्राय ये था कि हम सब इस यात्रा पे निकले हैं हर दर के दर्शन करें। तो आज हमने दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जो भी हमने कम से कम आंखों से पल भर निहारा। आज की इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में 70 लोग हैं, कैसे हम एक साथ मिले। आज ज्योतिर्लिंग भी शायद देख रहे होंगे कि 67 पीपल हमारे पास आकर अपनी प्रार्थना रखे गए। वह प्रार्थना में समावेश रखिएगा अपनी परेशानियों का, अपने तनाव का, अपने शारीरिक कष्ट का, अपने रिश्तों के कष्ट का, अपने कोई अभाव के कष्ट का। क्योंकि मानव जीवन लिया है, इको कार्डियोग्राम कहता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जीवन ही हमारा संघर्ष में, सुख दुख रात दिन परेशानी। एक दूर होगी दूसरी चली आएगी, दूसरी दूर होगी तीसरी चली आएगी। हम कहते हैं आपको कि आप अपने परेशानियों को याद करें, आप अपनी परेशानियां 5 साल पहले की याद करें, तो 5 साल पहले की परेशानियां कुछ और रहती है, अभी की कुछ और आने वाले 5 साल बाद कुछ और। अब हम चलते हैं उस माँ के दरबार में। माँ का दरबार सुनते ही रोम रोम आ जाते, हमारी माँ का दरबार भी, लेकिन साथ में जगत कल्याणी माँ, तीनों माँ एक पिंड के रूप में जहां मौजूद है उसे हम माँ वैष्णो देवी कहते हैं। अपना अपना समय, अपनी अपनी सुविधा से आप लोग दर्शन कर चुके होंगे। वहां पर लाइव आरती चलती रहती अविरत। आप क्लिक करें लाइव वैष्णो देवी आरती चलती रहती, उसमें कुछ एक पल इसमें दर्शन कर देते हैं, वो पिंडी के दर्शन कराते हैं। मैं आज आपको कुछ पिंडी के ही दर्शन कराने लगा हूं सीधा। तो बस जिस प्रकार एक बच्चा अबोध मन से अपनी माँ को ही अपना सब कुछ मानता है, उसको लगता है उसकी माँ भगवान है, जो चाहे लाके देगी, उसी भाव से, उसी बाल्य भाव से आज अपनी समस्त इच्छाएं उस माँ के दरबार में समर्पित करना। ठीक है, ये ना सोचता, समर्पण करना, सरेंडर विथ ऑल, जस्ट लाइक ए मदर। पूरे ब्रह्मांड को जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश
संचालित करते हैं। इन तीनों पीछे की शक्ति जुड़ी थी, शिव के साथ शक्ति का समावेश है। तो वो शक्तियां आज एक पिंड के रूप में जहां पर पहाड़ों पर है विष्णु देवी में, हम वहां के दर्शन करते हैं। आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ के दोनों अंगूठे आपके हृदय चक्र को टच करते रहे, इसी मुद्रा हाथों की करें। जो भी मन में चल रहा है, अपनी परेशानियां, तनाव, दुख, दर्द, इच्छाएं, सभी लोग एक साथ मां के दरबार में रखेंगे। साथ ही ये कोरोना रूपी जो महामारी है, जो मरीज है अस्पताल में लड़ रहे हैं जन्म मृत्यु से, उनको राहत दें। ये प्रार्थना का समावेश कर मां के दर्शन करें। एक ही स्थान पर शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की दाता देवियों का दर्शन इसके अतिरिक्त विश्व में और कहीं भी नहीं मिल सकता। सुबह और शाम के समय मां वैष्णो देवी की आरती की जाती है। आरती के दौरान केवल दो दो घंटों के लिए मंदिर तीर्थयात्रियों के लिए बंद रहता है। इस पवित्र घड़ी में मां का स्नान, श्रृंगार और फिर भोग लगाने के मन से दर्शन करें। हम कल्पना करें आप वहीं पर हैं, मंदिर में ही हैं, और अपनी प्रार्थना समर्पित करें तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की देवियों को, तीन शक्ति पिंडों को, और एक याचक भाव से, एक बाल्य भाव से, हमारे दुख दर्द तो दूर हो मां, परेशानियां जो कोरोना वायरस से ग्रस्त है वह महामारी में से मुक्ति मिले। जस वी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दैट कोरोना एपिडेमिक COVID-19। इट हैज गिव द हेल्थ टू ऑल ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्लोब, दोज आर फाइटिंग विद COVID-19 एंड अदर पेशेंट्स आल्सो। के बाद आरती की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। सुहागन दीवा बाले या मेरी मैया, ज्योत जागेगी।
अच्छी आरती जय माँ हे माँ त्रिकुटा रानी आरती जय माँ। ये मुख्य द्वार माँ का जय माँ। So nice. Yes. No, it just give a clap to yourself. मैं तो हम तो माध्यम बने हुए हैं, आप लोगों ने आकर यह मेला लगाया माँ का और माँ के दर्शन करें। देखिए आपने मेरा ये स्वभाव देखा होगा कि कोई मैं किसी तीर्थ स्थान के ज्यादा बखान नहीं करता, ना ही मैं उसके बारे में जुड़ी हुई कहानियों की चर्चा आपसे करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि मेरा मानना है जो भी स्थान एक तीर्थ का है, एक मंदिर का है, अपने आप में एक विशेषता लिए होता है। अगर हम किसी मंदिर की विशेषता बताएं तो इसका मतलब हम दूसरे मंदिर से उसकी तुलना कर रहे हैं। वो भले गुरुद्वारा हो या कोई मक्का मदीना हो, तीर्थ स्थल है, हनुमान जी का मंदिर, बजरंग बली का मंदिर, बजरंग बली ने ये किया तो ये हुआ, राम भगवान ने, ये सब एक साक्ष्य के रूप में आप कहते हैं। एक बात ध्यान रखिए, जहां जहां पर तीर्थ स्थान है, देव का धाम है, देवी का धाम है, वहां पर कोई संघर्ष जरूर जुड़ा है उनके साथ। वो पूज्य योग ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने भी संघर्ष बहुत झेला। आप ये मत सोचें, आप कल्पना करें कोई भी देव, मैं तो आज आपके सामने बात करता हूं शिव परिवार की। शिव परिवार, शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय, एक चार जनों का परिवार, चारों जनों में कितनी विषमता है। अगर शिव भगवान के कंठ में विष, यहां पर अमृत, गले में नाग, कृष्ण गणेश जी का चूहा, कार्तिकेय का मोर, कैन यू बिलीव इट, ऑल दिस चीजें एक साथ एक जगह रह सकती है? यस, एनीबॉडी कैन से? ये एक साथ नहीं रह सकती, ये सब एक साथ दर्शन करते हैं हम शिव दरबार के। ओ भैया पार्वती जी को भी धोक दो, गणेश जी को भी धोक दो, भैया शिव दरबार लगा, अरे कार्तिकेय जी को भी धोक दो। लेकिन इसका संदेश हम नहीं समझ पाते। इसका संदेश यह है कि कितनी विषमताएं रहकर भी एक परिवार साथ में रह रहा है, लेकिन हम कोई ना कोई किसी के स्वभाव की, किसी ना उसके प्रभाव की हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। मैं तो आपको कोई भी मंदिर जाए मैं बता दूं आपको, ये हमें संदेश दे रहा है। मां भी तीन दे सकती, लेकिन ऊपर चढ़ाई पे चढ़िए, कुछ भी चीज पाने के लिए तुझे चलना पड़ेगा पैरों पर। आ अब तो हेलीकॉप्टर चालू हो गए, सहजता चालू हो गई। तो कोई भी दुर्गम स्थान पे होता है जो मंदिर, वो त्याग करके शरीर थोड़ा हमारा डिटॉक्स होता है कि हम थकते हैं, पसीना निकलता है, शरीर थकता है, ये सब एक संदेश देते हैं माता जी का, गणेश जी का आभार। तो मैं जहां तक मैं व्यक्तिगत बात करूं, मैं आप लोग कुछ करते हो तो आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं मैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हर चीज से कुछ संदेश लेता है। गणेश जी की आरती गाते हैं, अमराजी को नंदन को आंख देत, पूरन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। अब एक बात बताओ, ये प्रैक्टिकल युग में अंधन को आंख देत, पूरन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, आप अगर आज के तारीख में गणेश जी बन गए तो आप कैसे प्रोवाइड करो? इसके लिए हम क्या करेंगे छोटा सा काम, कि जहां पर आंखें नहीं है किसी के अंधा है, वो किसी नेत्रदान का प्रोहित करके उसके जीवन में आंखें ला सकते हैं। नंबर वन, अंदर का कोड़न को काया, कुष्ठ रोगी को हम काया दे सकते हैं। किसे काया दे सकते हैं? कि वहां जाकर उसकी मदद, उसकी काया बन सकता है साथ में। फिर वो क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, भाई उसको तकलीफ ये है कि उसको एक अपेक्षित महसूस किया जाता है, फील है इग्नोर फ्रॉम द सोसाइटी। हम उसकी मदद करके जाके, सनी क्या जरूरत है आपको, खाने पीने की जरूरत है, कुछ सामान की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, ये हम उसके जीवन में गणेश बन के जा सकते हैं। बांझन को पुत्र दे, निर्धन को पाया, बांझन को पुत्र दे तो कैसे, क्या भैया नॉट पॉसिबल। गणेश जी के बांझन को पुत्र दे, आपने सुना आपने,
नहीं, वो महिला जो पांच के रूप में जीवन जीती है दूसरे के बच्चों को देखकर कि मेरी कोख में बच्चा क्यों नहीं है, है ना, तो वो प्रार्थना उसके साथ। और आजकल तो कई नई तकलीफें ऐसी ऐसी जा गई हैं, उसको कई बच्चा नहीं है तो उसको मोटिवेट करो कुछ गोद लेने का, कुछ भी आप अपने हिसाब से करें। और निर्धन को माया, निर्धन को माया कैसे, अरे भाई एक निर्धन है उसको थोड़ी शिक्षा में डालो, उसको आत्मनिर्भर बनाओ। आप तो दिया काम 100 रुपए दे दिए, चलते अपने गाड़ी बढ़ा के ट्रैफिक में लाइन लगा, नहीं, उस निर्धन को आप पैसे का थोड़ा ज्ञान दो ताकि हर व्यक्ति उसको भी भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। इन नॉट वॉन्ट टू डू द बेग, उसको भी नहीं मांगना, उसको कुछ ऐसा ज्ञान दो। अगर एक निर्धन शिक्षा रूपी ज्ञान पाकर अपनी रोजी रोटी खूब कमाने लग गया तो उसके जीवन के गणेश आप बने कि नहीं बने? यस नो, बोर तो नहीं कर रहा आपको, समझ में आ रहा ना होटल मैम सही? तो आप देखिए, अब माता जी की आरती करते हैं रोज, हम तैयार होके परिवार जाए, शुंभ निशुंभ सहारे गोणिक मधु के तब दो मारे, हम शब्दों तक सीमित रखते हैं, वो मां की कृपा नहीं। मधु के टप, शुंभ निशुंभ, राग द्वेष, क्रोध अहंकार, अरे उनका पतन किया था मां ने, तो अपने अंदर झांक के देखो आरती गाते गाते कि राग और द्वेष तुम में कितना मौजूद है, तुम में कितना क्रोध और अहंकार है। कुछ सामान मिल गया, कुछ बैंक बैलेंस बन गया, कुछ प्रॉपर्टी हो गई, कुछ वो आने लग गया, घर बड़ा हो गया, दूसरों से अच्छा हो गया, अहंकार हो गया मेरे पास सब कुछ। अरे सर आपका मकान ऊपर से कितना भी बड़ी हवेली हो, हेलीकॉप्टर से दिखता भी नहीं, हवाई जहाज में जाओ तो दिखता भी नहीं हो। मैं बोलता था कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है ना, इतने बड़ा ब्रह्मांड में से छोटा सा भारत, और उस भारत में से छोटा सा राज्य मध्य प्रदेश, और उस मध्य प्रदेश में छोटा सा एक शहर इंदौर, और उस इंदौर में एक छोटा सा आपका कॉलोनी, और उस कॉलोनी में छोटा सा प्लाट आपका मकान, कहां हो आप? वो व्यक्ति जो ब्रह्मांड को पाल रहा है उससे लड़े करने बैठ गए, वो बनने की कोशिश करते हो कि मैं भगवान हूं, बनो, मैं आपको वॉलंटरी बड़े मन से बोल रहा हूं, बनो आप भगवान, लेकिन किसी और के जीवन के, क्रोध और अहंकार के साथ नहीं। मेरा पूरा विश्वास है आज किसको कोई तकलीफ दूर करो, दवाई दे दो, तो उसके जीवन में तो भगवान आप है। मैं सामान्यतः महाकाल में भस्म आरती में जाता हूं, तो मेरा क्या, मैं तो ऊपर वाला कर रहा था, मेरा नियम है कि महाकाल महाकाल जय श्री महाकाल बोलते हुए जो बाहर भिक्षुक रहते हैं उनको जो तकलीफ होती दवाई होती देता आता हूं, और किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को कोई नहीं जानता। वह किसी करीब को 400-500 रुपए का नोट मिल गया तो वह नाम किसका लेगा, अरे बाबा महाकाल, अरे वाह मेरा दिन बना दिया तूने, वो आपको नहीं जानता, वो उसको जानता जिसके दर पे बैठा है, और वही आपको ज्ञान देकर पहुंचाना। एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी और शेयर करूंगा। मैं एक बार भस्मारती में गया, आप देखिएगा प्रसंग को सुनिएगा उसकी गहराई में जाइएगा। मैं भस्मारती में गया तो मैं भस्मारती में क्या बाहर बैठा जाता है तो हम सब बैठ जाते हैं। एक डिसेबल लड़का आया, बाबा बाबा महाकाल महाकाल बाबा महाकाल, क्योंकि वह उस क्षेत्र का जाना पहचाना था, मंदिरों के पंडितों का जाना पहचाना था। मैं आपसे दिल की बात शेयर कर रहा हूं एकदम, तो वो जाना पहचाना था और तो बिल्कुल आके चलने लगा था सामने, बोला बैठ गया वहां पे, तो मेरे पास बैठ गया धीरे धीरे करके, महाकाल बाबा महाकाल बाबा मेरा जन्मदिन, महाकाल बाबा मेरा जन्मदिन, महाकाल बाबा मेरा जन्मदिन। तो मेरे मन में आया यार इसका जन्मदिन है आज, हम क्यों ना इसको कुछ दे। आप देखिए मेरे पास में फरीदाबाद से तेजिंदर करके आता, वो पूजा के लिए आया था, वो मेरे पास में बैठा और मेरे पास में ये बैठा। अब वो पास में बैठा, मेरे मन में भाव आया यार मैं इसको कुछ पैसे दूं यार। यस, देखिए भगवान की सुनता है। उतने में वो तेजिंदर को बैठे बैठे दिक्कत हुई, बोले यार कृष्णा ये ले, तो ये पर्स मेरा रख तेरे पास और मैं थोड़ा सीढ़ी पे बैठ जाता हूँ वहां पर। तो वहां सीढ़ियां लगी, वहां बैठ गया, पर्स मेरे हाथ में आया, मैंने उसमें 500 का नोट निकाला, उस लड़के बच्चे को दे दिया। कैन यू बिलीव इट, माफ करना मैं उसने जो शब्द यूज करे उसका अधिकारी मैं नहीं हूं,
और हो गया बाबा महाकाल काम, करा दिया मेरा काम बाबा, मेरा जन्मदिन मनवा दिया बाबा, बाबा महाकाल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और एक साष्टांग धोक देते हुए और आरती में से उठ के चलिए। ठीक है, एक छोटा सा प्रसंग है, मैं आपका टाइम दे रहा हूं लेकिन इसकी गहराई में जाना। वह वापस आके बैठ गया 5 मिनट बाद, उसका बटुआ दे दिया, मैंने बेटा मैंने इसमें 500 रुपए लिए। देखो दोबारा बोले कृष्णा जी कैसी बात कर रहे हैं, मैंने चलो इसका नाम डाल लें। ऐसे ही मेरे पास चूंकि उस दिन पैसे नहीं थे तो मैंने कुछ 1,000-1,500 से और उधार ले लिए, 2,500-3,000 रुपए तक का हो गया। मेरा स्वभाव सारा पैसे बहुत बांटता हूँ, 500 इसको दे दिए वो दे के, उम्मीद से कोई आता था मैं उसको खाली छोड़ता, क्योंकि किसकी उम्मीद आप कौन हो पूरी करने वाले। तो ऐसे करके मैंने 2,500-3,000 का उसका कर्जा हो गया, मैंने यहाँ इंदौर आएगा दे दूंगा 3,000 उसको। अरे बोले कृष्णा किसी बात करता है भाई छोड़ बात, और हम साथ में इंदौर आए, वो होटल रेडिसन में उतर गया, चूंकि मेरा घर है, वो इनोवा गाड़ी मेरे पास आई, उसको एयरपोर्ट छोड़ा, वो इनोवा गाड़ी में लाया। उस इनोवा गाड़ी वाले ने जो पैसे उसको 3,000 रुपए देना था वो मैंने दिए, वो मैंने आकर खुशी खुशी आरती से शेयर करा। मैंने देख आरती आपके किसका पैसा लगना है ये भी वो निर्धारित करता है, अगर उसको 1% भी ध्यान आ जाता ना वो 3,000 रुपए दे देता टैक्सी वाले। वो भी नींद में था, वो भी सो गया और मैं भी सो गया, मैं आ गया। तो मैंने मिसेस से बात की, देखो आपका पैसा देना अलग बात है लेकिन किसका पैसा लगना है ये भी निर्धारित होता है। आप ये सोचो मैं दे दू सॉरी, कब आपका समय आएगा देने का आएगा अपने आप। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी किसी की उम्मीद नहीं तोड़ो, कभी नहीं तोड़ो उम्मीद। कभी कोई 5 रुपए 10 रुपए को भी और कुछ भी दे दिया, कोई अगर उम्मीद रख के आता है मतलब आपको भगवान समझ के आपसे मदद मांगने आता है। अब मैं सोचा ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, बेगर्स तो होते ही ऐसे हैं, ये तो दारू पीते हैं सिगरेट पीते हैं, आपका विषय नहीं। आपका विषय ये कि अगर कोई परेशान एक विकलांग आपसे उम्मीद रख रहा है उसको भले 50 पैसे दो, दो जरूर। क्लियर? देखिए जीवन में जिस दिन ये भाव आया ना कि यार मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं, ऐसा भगवान वाला है मन यार, आप किसी के लिए कर सकते हो, वाकई इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो व्यक्ति आपको भगवान समझ के प्रणाम करेगा। सच्ची बोल रहा हूं मैं तो, मेरे साथ तो जीवन में इतने पल गुजरे हैं, इतने ऐसे हंसू हैं कि यू कांट बिलीव इट। इसलिए मैं उसमें तृप्त रहता हूं और उसमें ही तृप्ति मेरी हमेशा। एक ध्यान रखिए, एक और हम एक ना प्रोसेस होती वृद्धा प्रोसेस, एक भी नोट शेयर करूंगा। एक होता है बुद्धा प्रोसेस, है ना, बौद्धिक लोगों में है एक। उसमें क्या करते हैं सर, आप कल्पना करके देखो, ये मैंने करा है। उसमें वो कहते हैं कि आप अपने कपड़े उतारो और दूसरे कपड़े पहन लो भिखारी वाले। यस, यू जस्ट चेंज योर अप टू डेट क्लॉथ एंड चेंज सम टोन क्लॉथ, फटे पुराने कपड़े पहनो आप, और आपको शहर में जाना है, वहां पर आपको भीख मांगनी है। बुद्धा प्रोसेस, आप बुद्धा प्रोसेस डालेंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल। आपको लोगों से पैसा मांगना है और जो पैसा मिले वह आकर हमको जमा कराना है और आपको मांग के खाना है। मैं बोल दूंगा कितने लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएगा ये? Oh my God, गुरुजी, we are so blessed, why we go? वहां पर सच्ची आपका आत्म साक्षात्कार होता है जब अपना हाथ आप किसी के आगे बढ़ाते हो। मेरे को बहुत दिक्कत गई, बहुत दिक्कत गई मांगने में। अरे यार मैं क्या बेचारी यार, अपन विकलांग पहले मिले, देखो यार अपने कोई आदेश मिला तो प्रोसेस मिली, प्रोसेस को जस्टिस करो। कपड़े पहनकर मैं गया तो ईश्वर भी ध्यान रखता है। मैं गया तो चाय का मन हुआ, चाय की दुकान पर गया, मेरे बच्चे बच्चे खड़े थे, बेटा एक चाय बोल दे, मैं भी चाय पीऊंगा। हाँ कोई मना नहीं करता, लेकिन आपके मांगने के भाव क्या है? केले वाले को मुझे केला दे दिया उसने। मैं तो मानता हूं हमसे ज्यादा दिलदार तो वो लोग हैं यार, कभी चले तो फिर से दे देते वो, मजाक नहीं कर रहा हूं। आई थिंक एज पर माई एक्सपीरियंस, आप माफ करना मैं आपको नहीं गिनता, हमसे ज्यादा वो है। तब मेरे को जब मैं वापस गया शाम को, तब मेरे जहन में दो बातें हैं, कौन सी? अगर आप भी ये संकल्पना करो, वो प्रैक्टिकल अनुभव कि किसी के सामने आप हाथ जोड़ के मांग रहे हो, वो कह रहा अच्छा जा आज में जा,
अरे बाद में मैं बीजू वो फोन पे बात कर रहा था, अरे समझाया ना बता कर। ये घृणा नफरत आप जब अपने ऊपर सहन करोगे ना तो अभी किसी को बात करते हुए मना नहीं खाओगे। बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये सीखा मैंने, इससे दो चीज सीखी मैंने कि एक तो, और वो आज तक कायम उस चीज पर मैं, एक तो मैं कभी किसी को उम्मीद से खाली नहीं छोड़ूंगा, जो भी आएगा उसको दूंगा। और दूसरी चीज सोचने वाली है कि मैं ईश्वर से अभी आज के बाद कुछ नहीं मांगूंगा। आई नेवर आस्क एनीथिंग। गॉड ऑलमाइटी ब्लेस यू माय डियर। जस्ट सी दोज आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई पैसे से समस्या है, किसी को शरीर समस्या है, तो आप थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन पर भी कुछ नॉलेज की बात भी होना जरूरी है। तो ये माता रानी वैष्णो देवी जितने तीर्थ स्थल है, यहां से कोई निकल कर काम करके गया है, कल्पना कभी सुना क्या? नहीं। यहां पर जाकर आप वही ऊर्जा से मिलती है, वो शक्ति जो है आपकी श्वास चला रही है, वो भली महाकाल हो, वो भली वैष्णो देवी हो, या साईं बाबा हो, या गुरुद्वारा साहब हो, या मक्का मदीना, वो जैसा आपको आदेश करेगी हम वैसा वैसा काम करते हैं। क्लियर? तो रिमेंबर टू थिंग्स, नेवर डिमांड फॉर योरसेल्फ। वो बोले वो कहावत है छोटी सी, मांगे भीले ना भी मिले, क्या वो कहावत है? वो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है ना? बिन तो आप कुछ नहीं करो तो आपको मोती मिलेंगे। अगर आप चाहोगे फिर अरे मेरा समय बदल दे, अरे मैं परेशान हूं तो बदल। अरे आप उनका जीवन भी तो देखो, जिस शिव परिवार में आप जाके प्रणाम कर रहे हो, मांग रहे हो, वो परिवार कितनी विषमता में रह रहा है। चलो बहुत बातें, वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। जस्ट इन्वॉल्व टूडेज नॉलेज सेशन, क्योंकि अभी धीरे 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 हमारा समय जा रहा है। आइए हम मिलकर वही प्रार्थना करें, और वही COVID-19 के जो पेशेंट्स हैं हमारे, जो हमारा संकल्प लेके निकले थे, देखिए आप रिकवरी रेट कितना बढ़ गया। हमारा रिकवरी रेट आप पूरे कंट्री का ले लें या अपने एरिया का ले लें, रिकवरी रेट इनकी कहीं ना कहीं धूल के कण से भी कण से भी कण से कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना भी उसमें शामिल है। यस ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रे।